हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 14 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार 400 मीटर फाइनल में गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें आंसर आएगा हिमा दास ने। और हिमा दास ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स इवेंट की ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने प्रतियोगिता की 400 मीटर की दौड़ को 51.46 सेकेंड में पूरा करते हुए पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुर्गा शक्ति ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सवियर प्रोसेस सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन लेख के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण किस शहर में वर्ष 2016 में 14,800 लोगों की समय पूर्व मौत हो गई थी? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICWA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा भारत के उपराष्ट्रपति और विश्व मामलों की भारतीय परिषद के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर TCA राघवन को ICWA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा नरसिम्हा रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने बताया कि उसे RBI से एक बार फिर नए ग्राहक जोड़ने और UIDAI से आधार निर्धारित EKYC के जरिए ग्राहकों का सत्यापन करने की मंजूरी मिल गई है? तो इसमें आंसर आएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विशाखापट्टनम में 1,062 करोड़ रुपये लागत की कितने बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसमें आंसर आएगा 5 बंदरगाहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसमें आंसर आएगा मोहम्मद कैफ ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला 3D व रंगीन एक्सरे की खोज की है? तो इसमें आंसर आएगा न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अनायुतु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसमें आंसर आएगा हाथियों के लिए दावत से है। और अनायुतु केरल के त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर के परिसर में आयोजित होने वाला एक त्यौहार है, और इन हाथियों को भगवान गणेश के रूप में मानकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से आगामी समय में नीलगिरी तहर के लुप्त होने की संभावना जताई गई है, यह किस प्रजाति की नस्ल है? तो इसमें आंसर आएगा नीलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए द विनर्स का गठन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा कोलकाता पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPC की धारा 497 यानी 497 को समाप्त करने की याचिका दायर की गई है, जिसमें किस मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को निरस्त करने की मांग की है? तो इसमें आंसर आएगा गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में प्राइवेट कंजर्वेंसी रूल लागू किया गया? तो इसमें आंसर आएगा कर्नाटक राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में खबरों में रहा नोवी चौक क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, नोवी चौक एक नॉर्वे एजेंट है और हाल ही में इसके संपर्क में आई एक ब्रिटिश महिला की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा युद्ध पोत टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंचा? तो इसमें आंसर आएगा, INS तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई को खान मंत्रालय द्वारा भारत का चौथा राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिल्ली काउंसिल ऑफ इंडिया अफेयर्स के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत के उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसमें आंसर आएगा, अजंता की गुफाएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अजंता की गुफा, ले पैलेस और ताजमहल को छोड़कर केंद्र संरक्षित सभी स्मारकों और धरोहर स्थलों के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान ने पाकिस्तान की स्वात घाटी में ध्यान स्थल में बैठे बुद्ध की विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया था, जिसे वापस से बना लिया गया है। इस मूर्ति को बनाने में किस देश से मदद ली गई? तो इसमें आंसर आएगा, इटली से। पाकिस्तान की स्वात घाटी के जहानाबाद इलाके में तालिबानियों ने बुद्ध की मूर्ति को डायनामाइट से उड़ा दिया था। इटली के पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि यह प्रतिमा बिल्कुल पहले जैसी तो नहीं दिखती, लेकिन ऐसा जानबूझकर कर दिया गया ताकि पता चले किसे कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इटली की सरकार ने स्वात घाटी की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए 5 साल के भीतर 25 लाख यूरो का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा JP वासवानी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वे क्या थे? तो इसमें आंसर आएगा, वे एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनका जन्म 2 अगस्त 1918 को हैदराबाद में हुआ था। विश्व शांति के प्रति उनको समर्पित सेवा के लिए अप्रैल 1998 में उन्हें यू थांत शांति पुरस्कार से नवाजा गया था और उन्होंने 150 से अधिक किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सेना ने जनजातीय सेक्टर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान राह ए रास्ट लॉन्च किया था, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसमें आंसर आएगा, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो इसमें आंसर आएगा, 17 राज्य। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांवों की चहुंमुखी विकास के लिए 2017-18 में 1100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? आपके ऑप्शंस है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2018 को किस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है, पटना, नई दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन है, क्रिकेट टीम को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हॉकी टीम को इसमें शामिल किया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, फुटबॉल टीम को इसमें शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक
फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।